हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम। वेलकम टू क्रिएशन वर्ल्ड गढ़वा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए अति महत्वपूर्ण है या पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप फ्री में इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी बोधगया। तो फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के में पड़ता है और 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि रिसेंट में भी हो नेपाल में पड़ता है। और फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन ए ज्ञातुक, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी लच्छन्वी और ऑप्शन डी शाक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शाक्य कुल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि इनके पिता शाक्य गण के मुखिया भी थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। जो क्वेश्चन नंबर थ्री है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी राहुल और ऑप्शन डी है वर्धमान। तो फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन कट गया है। ऑप्शन ए है प्रयाग, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वो भी 35 वर्ष की आयु में, वैशाख की पूर्णिमा की रात, निरंजना नदी या फल्गु नदी ही बोलते हैं उसको, और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको बुद्ध या सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते थे लोग। स्पेशली इस बुद्ध का उपाधि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? ठीक, तो ये जो चार की वर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड को समझिएगा। पहला दिया है संबोधि, जिसको बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए स्पेशल वर्ड है, और बी है धर्म चक्र प्रवर्तन, जिसका जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बी होगा फ्रेंड्स। और इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सी होगा वो महानिष्क्रमण उग्री त्याग के लिए है और महापरिवर्तन मृत्यु के लिए दिया हुआ है। स्पेशल आप इसको नोट डाउन कर लें या याद ही कर लें। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनियों के, ऑप्शन बी शैवों के, ऑप्शन सी बौद्ध के और ऑप्शन डी है सिखों के। तो आप जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के पीठकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली और ऑप्शन डी अरबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की ओर। क्वेश्चन नंबर एट है, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी किस शासक के समकालीन थे? यहाँ पर बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी किस शासक के समकालीन थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बिंबिसार, ये हरेक वर्ष के राजा थे, इन्हीं के समकालीन दोनों थे, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है कमल एवं शाण, ऑप्शन सी है पीपल, ऑप्शन डी है पदचिन्ह। तो जो घोड़ा है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। घोड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर देखिए जो कमल एवं शाण है वो इनका जन्म का प्रतीक है, और पीपल जो है इनका
ज्ञान का प्रतीक और पद चिन्ह है इनके निर्वाण का चिन्ह, ठीक प्रतीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है द लाइट ऑफ एशिया एशिया का ज्योति पुंज किन्हें कहा जाता है, ठीक। इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, इन्हीं को बोला जाता है द लाइट ऑफ एशिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस शहर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर ये जो 12 है वो बोला जा रहा है कि किस शहर में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा राजगिरी, ऑप्शन ए। उस टाइम थे आज़ाद शत्रु क्या थे, शासक थे, उनके कार्यकाल में ये कराया गया था, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कनिष्क शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिया हुआ है राजगिरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन सी है कुंडल वन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुंडल वन ए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस टाइम किनके शासनकाल में कराया गया था? कनिष्क के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, क्या थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, जो कब से कब कराया गया है, चतुर्थ संगीति है धर्म बौद्ध धर्म का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तृतीय के बाद किया जा रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद करने के लिए मैंने इसको ट्री क्या किया हूँ कि इसको जैसे जैसे होता है वैसे फर्स्ट फर्स्ट में जो है राजगिरी में हुआ था पहला संगीति, और किसी काल में हुआ था आजाद शत्रु के, और जो द्वितीय हुआ था वो हुआ था वैशाली में कालाचौक के शासनकाल में, और ऑप्शन सी जो है कि पाटलिपुत्र जो आपका तृतीय पूछा जा रहा है तृतीय ए है, ये जो हो गए फर्स्ट हो गए सेकंड हो गए और ये थर्ड हो गए और ये चतुर्थ। यानी कि जैसे जैसे आप इसको ट्रिक के साथ इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि पहला जो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरा ही, तो तृतीय किस में हुआ? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस टाइम कौन सा आ सकते हैं? अशोक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला है महाकश्यप, ऑप्शन बी शबाकामी, ऑप्शन सी मुगलीपुत्र तीस और ऑप्शन डी है वसुमित्र अवश्य, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप, ये दूसरे संगति का अध्यक्ष थे, ये तीसरे के और ये चौथे के अध्यक्ष हैं, ठीक। इस तरह से आप याद कर लेंगे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या है? गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है, यानी कि जो बौद्ध धर्म में है वो पूर्व जन्म की कथाएं, या इसमें इनको माना जाता है कि पूर्ण जन्म के बारे में भी इनको माना जाता था, इसमें उन लोग विश्वास करते थे। इसका जो उत्तर करेक्ट होगा वो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जातक। और जो भी आप पढ़े त्रिपिटक, त्रिपिटक के ही ए पार्ट हैं तीनों, कि सुतपिटक, विनय पिटक और अभिधक पिटक, ठीक। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म एवं संघ, ऑप्शन बी सत्य अहिंसा एवं दया, ऑप्शन सी है प्रेम दया एवं करुणा। ये तो आप समझ गए कि ऑप्शन डी है जो त्रिपिटक के बात किया जाता है, ये त्रिपिटक है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म एवं संघ, ये त्रिरत्न यही इनके शो करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी राजगिरी। तो इसे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सारनाथ में, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश यहीं पर दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी है वो श्रावस्ती है। तो यानी कि सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध दिए थे यहीं ये कौशल देश की राजधानी है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
20 की ओर देख रहे हैं। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में किस संगति के बाद विभाजित हुआ? तो यहाँ पर जो है कि चतुर्थ संगति के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान के दो में इन लोग विभक्त हो गए थे, दो अलग अलग पार्ट में इन लोग डिवाइड किए गए थे। ठीक, तो इसका जो होगा ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ संगति के बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म दो पार्ट में हो गए, एक हीनयान हीनयान और दूसरा जो है महायान में। ठीक फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन कर लें कि किस किस यान में कब और कैसे हुए थे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बहुत संरचना धामक स्तूप कहाँ पर है? बहुत संरचना धामक स्तूप जो भी है कहाँ पर है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा होगा, देखिए पहला है ऑप्शन सारनाथ, ऑप्शन बी है साई, ऑप्शन सी कोणार्क और ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, देखिए कि बौद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? पर यहाँ पर महापरिनिर्वाण पहले ही बताएं, इसका मतलब होता है कि मृत्यु इनका कब और कहाँ पर हुआ। तो देखिए इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में लिख दिया, क्या लिखा है कि पहला जो ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा कि कुशीनगर में हुआ, इसे देवरिया बोल सकते हैं, अभी रिसेंट में कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, और इतना ईसा पूर्व इनका मृत्यु हुआ था, या इस वर्ड को स्पेशल मृत्यु के लिए बोला जाता है, महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर देवरिया यूपी, जो कुछ भी है आप इसको लिखकर नोट डाउन कर लें, या आप इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर जो कि डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बौद्धों के लिए किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया? ऑप्शन ए है महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। इन्होंने क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गौतम बुद्ध का मृत्यु का क्या प्रतीक था? ठीक, तो इससे पहले ही बता दिया गया था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सारा चीज़ जिसमें नहीं लिखा हुआ है वही ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 नहीं, यहाँ पर देख कुछ तथ्य बताया हुआ है कि गौतम बुद्ध के संबंधित हैं, जैसे में कि इनका माता का नाम था माया देवी नाम था, पिता का नाम सुदोधन था और पत्नी के नाम यशोधरा था, और तथा पुत्र का नाम राहुल था, और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की वायु में कर दिया गया था। ठीक, और इनका जो गुरु थे उनका नाम शायद मेंशन नहीं है, तो गुरु का आप नाम लिख सकते हैं कि जब ये गृह त्याग किए थे तो इनका गुरु का नाम उसे वैशाली मिले तो वहाँ पर इनका आलार कलाम। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आलार कलाम। ठीक, इनके प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के यही थे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।